आज हम आपको दिखाने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट बॉयज हॉस्टल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर का कैसा है। चलो दोस्तों, वो वहाँ है यूजी हॉस्टल, बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे, और ये हमारा कच्चा रोड है जहाँ से हम पीजी की तरफ और यूजी की तरफ जाया करते थे। देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने फोरम की तरफ और यूजी हॉस्टल की तरफ। चलो फिर फॉलो। यहाँ हम पढ़ाई करते थे सेमेस्टर के वक्त, रात रात भर पढ़ना, सुबह यहाँ इसके नीचे लाइट हुआ करता था और सुबह आते थे हम 7-8 बजे, तो दिन में यहाँ बैठते थे, कभी वहाँ बैठते थे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे हमारे 4 साल गए हैं। और अपन हम अब अपन जा रहे हैं फोरम की तरफ, जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कॉम्पिटिटिव फोरम है। ये व्यू देखिए, ये व्यू सबसे खूबसूरत व्यू है मेरे कॉलेज करियर का। सबसे खूबसूरत अगर व्यू कहा जाए तो जायज़ है ये व्यू। मैं हमेशा यहाँ बैठा करता था और यहीं पे हम गप्पे मारा करते थे, दोस्त लोग बैठते थे, चाय पीते थे वगैरह वगैरह। ये हॉस्टल्स की रूम दिखाएंगे आपको, कैसे बच्चे वहाँ पे रहते हैं, कैसे बच्चे वहाँ पे रहते थे वो भी दिखाएंगे। किसी एक आधे फार्म हाउस में या किसी जंगल में कोई बड़ा सा घर बना ले, उसी तरह की फीलिंग इस हॉस्टल में आती है। यह हमारा हॉल है और यहाँ सब हम गैदर्ड हुआ करते थे। हमारी कोई भी मीटिंग हो या कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो, यहाँ पे हम उसे लेते थे। और यही हमारा टीवी हॉल भी है, तो अपन दस्तक देंगे। तो ये मेरी रूम है, ये मेरे रूम से आने वाला व्यू देखिए आप। सबसे पहले व्यू देखिए मेरे रूम से आने वाला, देखिए व्यू, इतना खूबसूरत व्यू मैंने आज तक नहीं देखा है कभी। ये पूरा सुबह सुबह सनराइज़ होता है सुबह सुबह, और जब सनसेट होता है यहाँ का व्यू देखने लायक होता है, लाजवाब व्यू होता है। और ये मेरे रूम पार्टनर है, इसका नाम है हिमांशु देशमुख। हेलो हिमांशु। और ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और ये दो शब्द कहेंगे कृषि क्रांति के प्लेटफॉर्म पे। ओके, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल भूसारी एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैमरामैन सच्चिदानंद। और ये ICR की पढ़ाई करते हुए होप वाले स्कीम के संस्थापक, जिनका नाम है राहुल नागर, ये MP से है। और इनसे आप कुछ भी पूछिए एग्रीकल्चर का, ये झट से जवाब देते थे। इधर से क्वेश्चन आया नहीं, इधर से क्वेश्चन आया नहीं कि उधर से जवाब इनका हाथ में रहता है, झट से जवाब। ये जो तारीफें की जा रही है ना, ये सब झूठी तारीफें हैं। ये जो महान व्यक्ति जो ऋषिकेश भूसारी जी है, ये 6-6 एग्जाम दिए और ये हमको बोल रहे हैं। मानना है कि अभी अपन ये वीडियो यहाँ पे पॉज करेंगे और देखते रहिए, ये हमारा कैंपस था। और